लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ गुजरात के कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष भाई दोषी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष भाई, जिस प्रकार से समझौता हुआ है, दो बैठक जो कि आम आदमी पार्टी को दी गई है, 24 बैठकों पर कांग्रेस लड़ेगी, किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि जो दो बैठक दी है उसमें से एक बैठक गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की खुद की एक बैठक, और खास करके दूसरी जो बैठक है स्वर्गीय अहमद पटेल के जो पुत्र हैं पुत्री हैं उनकी भी नाराजगी उस बैठक से सामने भी आई है। कांग्रेस पक्ष ने पहले से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि देश के सामने जो सबसे बड़ा प्रकार है वो है संविधान बचाने का, देश बचाने का। खुले मन से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बातें नेतृत्व ने तय किया, हमने प्रदेश की ओर से हमारी बात रखी थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे नेतृत्व ने जो जो बातें रखी थी हमने पूरा आकलन किया था। 26 बैठक का गुजरात का, हर लोकसभा क्षेत्र का, हमने वहाँ जाके तालुका कक्षा का ब्लॉक लेवल पे हमने हर चीज़ की चर्चा विचारणा की थी, पर फिर भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो समझौते के लिए आगे बढ़े हैं मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बात रखी है इसके सामने पूरा देश की बात सामने रखी है। जहाँ तक सवाल है भावनगर की बैठक का, निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से ये बात रखी थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य शक्ति सिंह जी गोहिल ने भी ये बात राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखी थी, पर निर्णय तो अंतिम जो होता है वो निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का करता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते हम सब आगे बढ़ेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएँ होती है, कार्यकर्ताओं की भावना होती है, चाहे भरूच के लिए हो चाहे भावनगर के हो, हर जगह पर होती है, पर हमको ये भी बात मद्देनजर सामने रखनी चाहिए कि मत के विभाजन की वजह से आज देश के सामने सत्ता में बैठे मोदी सरकार के पास देश के लोगों ने 35% से 40% इसके तरफे में मत दिया है। 40% 35% के मत से ये सत्ता भुगत रहे, और इसके खिलाफ 65% वोट है, 65% वोट इसके खिलाफ है, और मत का बंटवारा होने की वजह से आज वो सत्ता में है। तो मत का विभाजन रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लाइकिंग माइंडेड वर्ल्ड के समझौता का, और इंडिया एयरलाइंस इस बात पे खुले मन से आगे बढ़ रही है, और ये समझौता हुआ है, मैं मानता हूँ ये समझौता से ये देश हित में है, और देश में आने वाले दिनों में जो देश के सामने जो सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंजेस है वो महंगाई की चैलेंजेस है, बेरोजगारी की चैलेंजेस है, किसान को बचाने की चैलेंजेस है, तो ये कुल मिला के हर मुद्दे पे हम जब मिलके लड़ेंगे तो एक अच्छा नतीजा भी हमको मिलेगा, हमको फायदा भी होगा, और इसमें देश हित के लिए ये फायदा है। अच्छा, साथ में जब अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है तो कितनी बैठकों पर विजय हासिल हो सकती है, हो सकता है, आंकलन क्या कहता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 26 में से 26 बैठक तीसरी बार वो जीतने जा रहे हैं। मुझे लगता है सत्ता के अहंकार में भाजपा का अध्यक्ष ने आज बात रखी है वो बड़ी दुख की बात है। इसने दिव्यांगों का, जो प्रभु ने अपने को कुछ तरीके से किसी को कुछ न कुछ कोई अंग में कमियां दी है, वो कमियां नहीं है, भगवान ने दिया है मनुष्य को, इसने आज अपमान किया है दिव्यांगों का। एक तरफ आप इसने जो भाषा का प्रयोग किया, मुझे लगा सत्ता के अहंकार में आप इतने हो गए बावले कि आप कुछ भी बोलो, आप विकलांगों को दिव्यांगों को इसका न्याय अधिकार तो देते नहीं हो, आप इसको मिलने वाला रोजगार नहीं दे रहे हो, वो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रहे वो भी आप नहीं दे रहे हो, पर आप इसका अपमान करने का तो अधिकार नहीं मिला आपके पास, पूरे पूरी आप सीट जीत जाओ, आपने दो बार जीता, आपने 14 और 19 में जो सीट जीता है तो 10 साल से भाजपा का सांसद, ये तो बताया कि हमने गुजरात के लिए क्या किया, हमने कितनी बार गुजरात को, गुजरात के आम लोगों का फायदे के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे रोजगार के अधिकार के लिए, चाहे हमने जो जो वादा करके सत्ता में आए तो आपने गुजरात के किसानों के साथ क्या किया, आपने गुजरात के नौजवानों के साथ क्या किया, देश के नौजवानों के साथ किया, गुजरात को अन्याय कितना किया, गुजरात के जो मिलने वाला अधिकार था स्कॉलरशिप थी उसमें कटौती की आपने, शिक्षा का बजट में कटौती की आपने, आरोग्य के बजट में कटौती की आपने, क्या दिया आपने, वायदा दिया, खोखले वादों की वजह से आज गुजरात का और देश का नौजवान हताशा में है, आक्रोश है, गुजरात में बार बार पेपर लीक हो रहा है, देश में भी हो रहा है, जहां जहां भाजपा की शासन है वहां पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, इस गठबंधन से कांग्रेस को फायदा कितना होगा, क्योंकि बीते दो चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई है, ऐसे में क्या इस बार खाता खुलेगा, कितनी बैठक का अनुमान है? मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, अंत में तो एक ही बात होती है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा, और आने वाले दिनों में
ये गठबंधन कोई सत्ता लक्षी गठबंधन नहीं, ये गठबंधन है देश बचाने के लिए, ये गठबंधन है इंडिया एलायंस का वो संविधान बचाने के लिए, और ये संविधान बचाने के लिए जो गठबंधन हुआ है मैं मानता हूँ हमारे केंद्र बिंदु में संविधान बचाने का है, केंद्र बिंदु में हमारा लोकतंत्र बचाने, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद गुजरात जो गांधी सरदार का गुजरात है इसका हमको पूर्ण विश्वास मिलेगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, गुजरात आपके अध्यक्ष इसुदान गढ़वी का कहना है कि सुरेंद्रनगर हो, बारडोली हो, दाहोद हो, ऐसी 6 और भी बैठक थी जहाँ पे आप मजबूत थी, पर फिर भी उन्होंने ये बैठक कांग्रेस को दी है। मुझे लगता है ऐसे तो सर्वशक्तिमान सब कुछ अपनी बात रखते हैं, इसमें कौन कितना किस बात का नहीं होता है, मैं मानता हूँ जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है मैं गर्व के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते कहता हूँ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सन्माननीय सोनिया जी, सन्माननीय खड़गे जी, सन्माननीय राहुल जी ने खुले मन रखे देश से दल से ऊपर देश को आगे करके संविधान को बचाने के लिए ये गठबंधन का आखिरी रूप दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते कि ये गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो गुजरात में वोटों का बंटवारा ना हो इसको लेकर खास करके ये गठबंधन किया गया है, इस बात को स्पष्ट तौर से गुजरात के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोषी का कहना है, और खास करके आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत जो भी चुनाव लड़ेंगे उसमें जो भी कोई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी होगी तो उसे दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।